पवित्र कबीर साहेब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता जो इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्मा 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद सभी विभागों को बता देगा, सह वेदवित वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले ये शब्द बोलना के तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता, पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंत्रण देना होता था, अपनी मौत को निमंत्रण था। लेकिन वो तो अविनाशी थे, वो तो परमात्मा थे और उन्होंने उस समय ये शब्द बोले थे। और ऐसा घोर विरोध किया था उस मालिक की, उन लीलाओं को जो पढ़ते हैं आंखों से आंसू नहीं सूखते, ऐसे जुल्म गुजारे थे उस परम पिता के ऊपर, हमारे भगवान अपने पिता के ऊपर। अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे ब्राह्मण काजी मुल्ला, उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने किसी को भी दुराशीष नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ सकती, वो हमारे पिता ना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते, ऐसा दे देते पूछो मत। जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाक कर दिया किसी ने और उसने इतना गुस्सा उठा, वह मंडली थी उसके साथ 400-500 की, उसने एक शब्द उच्चारण कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध। खड़े ज्यादा थे, बैठे थोड़े, जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गई। तो
तो ये तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसको वो कुछ भी कितना दुखी कर ले। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी को दुराशीष नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो समर्थ थे। उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पी के मेरे शत्रु बन गए, उसने अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। इसी सत्य कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुएं में डाल दिया। एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुओं में, और जेरा कुआ वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था। उसमें डाल दिया, ऊपर से झाड़ बोझड़े कांटेदार छड़े कंकर पत्थर रेत से भर दिया। एक शेख तकी नाम के एक जलील व्यक्ति ने, वो मुसलमान था, मुसलमान राजा दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, और शेख तकी उसका धार्मिक पीर था सिकंदर लोदी राजा का, मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता था, राजा के सामने नारे लगवा देता था, राजा पब्लिक को देखकर घबरा जाता था, और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे कबीर परमात्मा। कुएं में डाल दिया, भर दिया पूरा, और कुछ देर के बाद वो गए सिकंदर लोधी के पास, परमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले, क्योंकि वो समर्थ थे, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो समर्थ हैं, लेकिन उनकी लीलाओं को देखा जाता है, पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे, हम उनके शत्रु बन गए, तो उस समय हम अशिक्षित थे। अब परमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बख्शी, हमें शिक्षित करवाया। पुणात्माओं 5500 वर्ष तो कलयुग बीत गया, और उससे पहले जालिए कितना समय, 3 युग गए, केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी था, और कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, क्योंकि यह शिक्षा अच्छी नहीं है, यह बेईमान बनाती है प्राणी को, यह पाप करने से फिर हिचकता नहीं है व्यक्ति। यह शिक्षा गई ब्राह्मण समाज में, इस शिक्षा को इन्होंने रोजी रोटी का धंधा ही बना लिया, और पाप के भागी बनने लगे। अब शिक्षा आ गई सब समाज में, कितने चतुर बन गए हम, भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम, हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे, कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्माओं, हम जैसे वर्तमान के मानव से भी हमारा पाला पड़ा है, और आज से 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया, इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहां भी इंसान है, बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है, कोई दया धर्म नाम की चीज नहीं रह रही। खाए जाओ धक्के, गिड़गिड़ाए जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं, 10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। तो ये जलालत हमको किसने सिखाई? इस शिक्षा ने सिखा दी।
और क्या करते हैं फिर उस पैसे काम, कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और फिर घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है, उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही, वो पैसा तो रहता नहीं, व्यर्थ हो जाता है, कोठी बना दी, मृत्यु होगी, आप गदा बन के कुमार के घर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है, चाट ले उस कोठी को। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान से हम इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, हमने परंपराएं गलत बना ली, विवाह करते समय पूरा ड्रामा कर बैठते हैं, पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इस इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं, अरे ब्याह दो बच्चों का होना है, और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वे से ब्याह करे, बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है, ठीक है भी हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ, हो गया ब्याह, और इसमें क्या देर लगे थी। अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही है, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर, अरे सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रस्ते में दूल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोक में आरंभ बकवाद करें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा हमारे, नशा उतर जाएगा जब ये चीज आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी जो ड्रामा हम करते हैं। एक समय नानक साहेब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन है। तब नानक साहेब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर डारे, और किस भी डल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हंसावे, अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड का, और हम फिर भी यहां फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से, ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की, आप ना सोचोगे क्यों समय बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी, या सत्संग सुनने दिल करेगा, या फिर अपने सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिले, और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं, बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लग गया। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सिर पर आप वजन गणा रख लिया है, सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कतिबंध करना पड़ेगा, फिर हम कोठियां बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है जिसके पास दो पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करे, तो उसमें हमें भक्ति में ज्यादा समय मिलेगा,
हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्योहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते हैं, अब ज्ञान हो गया कति रुचि नहीं बनती। एक व्यक्ति ने नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा, और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे ये नहीं करना, ये त्योहार वगैरह तुम जो मनाते हो ये नहीं मनाना। कैसे? अब हम क्या करते, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कोई भी त्योहार आता है वो फॉर्मेलिटी बना ली कि इतने कपड़े और इतनी मिठाई, इतने सुहाड़ी गुलगुले, ये पहुंचाने पहुंचाने, वो नून तल लेकर चल पड़े, वो नून तल लेकर चल पड़े, और वो कपड़े नए पड़े रहे, कोई पहनता नहीं। क्या फायदा हुआ? एक बच्चा होता है, चार बुआ है उसके, चारों लाऊंगी जुगले, छ छ और छह महीने पाछो बच्चा बड़ा हो जाओ, पैरण जोगे रहे कोई ना, वह की तो फूकने पड़े, क्या फायदा इन बकवादों का। तो इस तरह हमने इन सभी क्रियाओं को इन ज्ञान विचार से समझ कर फिर इनसे उठा हटना है, और ज्ञान बिना तो हम फिर देख हम देख लकीर पीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने, हम बालक नहीं रहे क्योंकि ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा का नाम मिल गया, यहाँ का पता लग गया क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाओं से वापस होना है। फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी भी खुश नहीं होते? तब उन्होंने कहा कि साध नले साढ़े साधी होंगी और बिछड़ दया दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहा ना मुश्किल हाल फकीरी वे, साध मिले साढ़े साधी होंगी। भक्तों से हमारा मिलन होता है, मेरे बच्चे जो मेरे शिष्य हैं ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय, तो हमारे एक विशेष खुशी होती है, हमारे यह शादी है, ये विवाह है हमारा, आत्मा का विवाह परमात्मा से होता है। कहते साध मिले साढ़े साधी होंगी और विछड़ दया दिलगिरी वे, जब ये यहाँ से सत्संग सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर उदासी छा जाती है। क्यों छा जाती है? कि ये बच्चे परमात्मा के हंस इस ज्ञान से कुछ परिचित हुए हैं, और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित हैं, और कहीं ये बच्चे अपना नियम भंग करके और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिशा ना बदल ले, ये नाम से वंचित ना हो जाए। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज, तो मुझे खुशी होती है कि मेरी फसल में कीड़ा नहीं लगा। तो कहते हैं साध मिले साढ़ साधी होंगी और बिछुड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना या मुश्किल हाल फकीरी में। ये भक्ति बहुत मुश्किल बना दी इन अज्ञानी संतों और महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को, तत्व ज्ञान रहा नहीं, सदग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचा नहीं, लोक वेद बना करके हमारे को ऐसे दंत कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं। तो पुण्यात्माओं, अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला। कबीर साहब कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेख जान, और बाकी जन्म गवा दिया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको उपदेश मिल गया आपका वो जीवन मनुष्य का, उस दिन से जन्म समझ लेना, उससे पहले आपका मनुष्य जीवन नहीं था लेकिन शरीर बेसिक मनुष्य का था। जा दिन सतगुरु भेंटिए सो दिन लेख जान, बाकी समय व्यर्थ गया तेरा बिना गुरु के नाम। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की कृपा से आपको ये सत्संग मिला है, तो सबसे पहले मालिक ने हमारे को शिक्षा देनी पड़ी, और इस शिक्षा के बिना हम भगवान को पहचान नहीं सके थे। उनको मालूम था कि ये खूब बिगड़ेंगे, शिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे, वैज्ञानिक पाकगे
गॉड गिवन मटेरियल पर अनुसंधान करके ये भगवान से दूर करने लग गए, आप भी होने लग गए। कहीं भगवान नहीं है, एक विश्व नियम है, एक एलिमेंट खोज लिया है, उससे सब कुछ बनता है। वो एलिमेंट किसने बनाया? इन वैज्ञानिकों ने बना दिया। परमात्मा के मटेरियल के ऊपर बकवाद करते हैं। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, ये वैज्ञानिक भी इनके सारे इंस्ट्रूमेंट अड़क पड़े पड़े जले, जंग लग जाए इनके अंदर। भगवान के रहम को बुला दिया। भगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को, और क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम बना लिया अपना नाश करने के लिए। है तेरा गजब है। और पुण्यात्माओं, ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर टेलीविजन, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जीव सतर का नहीं है। कि किसी का भूल हो कि मनुष्य बना दिए ऐसे आइटम, परमात्मा कबीर जी ने उनको बुद्धि देकर के ये बनवाया है। और किस लिए? आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि एक जगह मेरा ज्ञान चला करेगा, करोड़ों बच्चे मेरे एक टाइम पर सुना करेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण देखा करेंगे। प्रोजेक्टर बनवा दिए, दास यहां दिखाता, आप वहां बैठे प्रमाण देख रहे हैं, टीवी के ऊपर देख रहे हैं, घर घर बैठा परमात्मा संदेश भेज रहा है। मालिक को मालूम था, क्योंकि काल ने कहा था, परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना की थी चापलूसी करके के 3 युगों में जीव कम ले जाना, और 4th युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम गमन संसार ही कीजे। परमात्मा के चरण पकड़ के वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव वापस कम ले जाना, और 4th युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। फिर वैसे कितने ले जिए 4th युग में? तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं वचनबद्ध हुआ और 4th युग कलयुग में जीव ले जाऊंगा। तब एकदम जब देख लिया ना वचनबद्ध हो गए, उसी समय आंखें पलट ली भस्मासुर की तरह, और कहने लगा बेशक कलयुग में तुम आ जाना, कलयुग में ऐसे कर दूंगा इन प्राणियों को कि ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे, इनके इतने मलिन आत्मा कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद और ये तीर्थों पर, इनके ऊपर धामों के ऊपर आश्रित कर दूंगा, और देवी देवताओं की पूजा पर इनको आरूढ़ कर दूंगा, आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा और आ जाना। बेशक बेशक कहा था जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे उल्टे पाठ पढ़वा दूंगा अपने नकली दूत भेज कर के, तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बच्चे वाद विवाद क्या करेंगे मेरी और मेरा पक्ष में हो करके, जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। उसमें वो क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि इस कलयुग में वो मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। वो लीला करके चले गए जो भगवान किया करता है। अब उस भगवान के पहचानने में हमें बहुत आसानी हो गई है। यदि 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आते तो हम कैसे पहचानते परमात्मा कौन है? भगवान जो लीला किया करते हैं वो प्रत्येक युग में ऐसी ही करते हैं, और उन लीलाओं का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में मिलता है, पवित्र 4 वेदों में परमेश्वर की वो महिमा का गुणगान है जो भगवान किया करता है। तो वो लीलाएं किसने की? वो 600 वर्ष पहले बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के इस पावन धरती पर आए थे, जुल्हा रूप में, धारणक रूप में रहे थे 120 वर्ष, वो कबीर परमात्मा। उन्होंने वो लीलाएं की हैं जो वेदों में प्रमाण है जिनका। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। परमात्मा कौन है? कबीर साहब परमात्मा है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। परमात्मा ने कहा था कि ये 4 वेद मेरा ही भेद यानी मेरी महिमा का गुणगान ही कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती।
अमर लोक प्राप्ति नहीं हो सकती, इनमें पूजा की विधि नहीं है वो जो सतलोक जा सके हम, तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं प्रत्येक युग में और अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुभता ढेल रे। कबीर परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको परमात्मा मिले सतलोक लेकर गए, उनको फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बना के छोड़ा, तो उन्होंने आंखों देखा भगवान का, वो वर्णन किया उनकी महिमा को बताया, उसके विषय में परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने यही गुणगान किए, आंखों देखा मेरे को, और मैंने भी आकर के ऊंचे ऊंचे स्वर में कहीं भी खड़े हो गए मदारी की तरह, एक तारा हाथ में लेके अपनी पवित्र वाणी से अमृत वाणी से वहां वर्षा करने लगे अपने ज्ञान की। और ऐसी यही तरीके थे, सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे परमात्मा की उस अमृत वाणी को सुनकर गदगद हो जाते थे, परमात्मा के मुख से बोली हुई वाणी भी जितने भी वहां उपस्थित लोग सुना करते थे उनके बहुत से पापों का वो नाश हो जाता था, यानी वो अपने बच्चों को फिर से भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए आते रहते हैं ताकि इनमें आस्था भगवान की बनी रहे। और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनको कोई भी आध्यात्मिक लाभ ना हो, ऐसी भक्ति विधि प्रोड्यूस करवा दी, प्रवेश करवा दी संसार में, और परमात्मा से मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिकता की तरफ चल पड़े, विकारों की तरफ चल पड़े, ये बुराई करने लग गए, रिश्वत लेने लग गए, क्योंकि हम अपने फिर सूझबूझ से धनवान बनने की कुचेष्टा करने लगे, और जिसका परिणाम ये निकला हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी हो गए। जैसे कोई व्यक्ति दो नंबर से पैसे इकट्ठे करता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, या कोई किसी को धोखा दे करके पैसे इकट्ठे करता है, तो उसके लिए वो विष का काम करेंगे। अब एक व्यक्ति बता रहा था उसका इकलौता पुत्र बीमार हो गया, पहले तो अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे, कभी आराम हो जाए कभी फिर हो जाए, फिर ऐसे ही साधु संतों के चक्कर में पड़ गए, फिर लास्ट में जब बिल्कुल वो एट द डेथ हो गया, मरने को हुआ, तो उसको फिर पीजीआई ले गए, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली लेकर गए, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई, किडनियों का ऑपरेशन हो गया किसी रिश्तेदार ने दे दुआ दिए हुए, तो फिर क्या हुआ, वो लड़का स्वस्थ हो गया, पैसे लगे लगभग 3 लाख से ऊपर, आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की बातें हैं, उस समय 3 लाख की बहुत की, आज के तो 30 लाख और उस समय के 3 लाख, इतना वो था अंतर है अब की उस समय जो पैसे की वैल्यू थी। तो उसने क्या बताया कि मेरा लड़का स्वस्थ हो गया और पैसा इतना लग गया कि कर्जा हो गया, शादी विवाह की तैयारी कर रखी थी, विवाह से कुछ समय पहले ही दुर्घटना यानी बस एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब वो इस सत्संग को सुनकर आंखों से आंसू निसूख रहे थे उस व्यक्ति के, और अपने आप को कोस रहा था कि मुझे तो थोड़ी सजा मिली भगवान, मैं इतना नीच व्यक्ति था, अपने बच्चे को सुखी करने के लिए, इसको कार और कोठियों में देखने के लिए मैंने ऐसी गलतियां की कि अब मेरा कलेजा फटकर आता है।
2 लाख रुपए कमाए होंगे 5-10 वर्ष में, 2 नंबर का काम करके। 2 नंबर का काम क्या था कि उस समय ये कैसेट, ये टेप चले थे, टेप रिकॉर्डर से चले थे, और उनकी जो रिफल होती थी वो कैसेट, वो कहता मुझे 2 रुपए में पड़ा करती सारी, थोक का भाव लिया करता तोल के भाव से, और वहाँ बना बना कर नकली और ओरिजिनल कवर के अंदर भर देता था। मुझे 2 रुपए में पड़ा करती वो सारी, और मैं 32 रुपए में बेचा करता, और वो जाते टूट जाती, मेरे पास आते मैं फेंक देता, मैं क्या करूँ। और आज मुझे वह सदा सही मिल गई। तो पुणात्मा, अब उसको बताया गया, सत्संग में बताया जाता है कि जो पैसा आपने 2 नंबर से कमाया वो पैसा तो रहा नहीं आपके पास, क्या रहा, वो पाप रह गए जो आपने भी भोगने शेष है, और पैसा चला गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको ज्ञान होगा, ये कोई बालकों की बताई हुई बातें नहीं है, ये गॉड गिवन परमात्मा का दिया हुआ विधान है, उनका बताया हुआ ज्ञान है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं किसी ने स्वार्थवश गा रखे होंगे। परमार्थी परमात्मा ने सतपुरुष कबीर साहब ना कर ये विधान बताया है कि बच्चों तुम विष खाना छोड़ दो, यदि यहाँ भी सुखी रहना चाहते हो जब तक तुम्हारा जीवन शेष है। और अनजान बच्चे ही गलतियां किया करते हैं, जब समझदार हो जाएगा ना फिर इसका हाथ नहीं लगा सकते। जैसे छोटा सा बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है और उसको डस देता है, वो मर जाता है, उसको ज्ञान नहीं कि कितना भयंकर जानवर है। और जब वो बड़ा हो जाता है उसको उस जानवर के बारे में जानकारी हो जाती है कि ये तो बड़ा खूंखार है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो दूर से ही सर्प को देखकर भाग लेगा दूर, औरों को भी कहेगा इधर मत जाना, सर्प है सर्प है। और पहले वो घिसरते घिसरते उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना डर नहीं होता। तो तत्व ज्ञान से आपको डर बनेगा। फिर उसके बारे में बताया है कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का यानी जहर का एक कण भी पड़ा हो कहीं पर, और ये पता लग जाए ये कण विष का है, कहते उस कण ने भी कौन खावे, किरका छोटा सा कण, और इवां बोतल की बोतल पीवा जहर की, यानी कुछ भी ठा जा कोई आंट रही ना, बताओ किसी क्षेत्र में देख ले हाहाकार मची हुई है। किसी भी फील्ड में जाके देख लो इंसान को संतुष्टि संतोष रहा नहीं। तो यहाँ फिर पता लगेगा कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तीस खावे राम रंग होरी हो। यानी हम धन इकट्ठा करते हैं खुशी मनाने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं खुशी तो आपको परमात्मा के रंग में रंगे जाओगे ना, तब ये खुशी होगी, होली होगी आपकी, असली होली फिर होगी, और रोज होगी आपका होली फिर हुआ। इस प्रकार ये ज्ञान होने से पुण्यात्मा हम बहुत से पापों से वैसे ही बच जाएंगे और फिर परमात्मा पाएंगे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की भक्ति ना करने से मानो कितना दुखी हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है जिससे आपका मोक्ष होगा, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले वो बताएंगे। इसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और 18 अध्याय भी बोल दिए, बात वहीं की वहीं छोड़ दी। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, श्रीमद् भगवद गीता में, के उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझ लो, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष,
और ऊपर के लोक जहां वो मालिक रहता है वो अमर लोक है, वो सारे मिलकर अमर लोक है वो, लेकिन उसके चार डिवीजन है, एक सतलोक है, दूसरा अलख लोक है, फिर अगम लोक है और चौथा फिर अके लोक अनामी लोक है। वो सारा अमर अक्षेत्र है, वो शाश्वत स्थान है और उससे कहते हैं ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञान दाता ने तो सिर्फ इतना बताया है ऊपर ने तो जड़ है उसकी और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा है, बाकी सब छोड़ दिया। फिर बताया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बतावेगा सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। पुनात्मा 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे ये तत्व ज्ञान बताने के लिए और उस समय उन्होंने क्या बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचनहार ही बता सकता है और परमात्मा ने यह भी कहा था गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना हो है मुक्ति। अब वो क्या करते सच्चाई और हम ना लागी कड़वी, हम अपने पिता के दुश्मन हो गए, उनसे विमुख हो गए और जिसके कारण हम आज तक धक्के यही खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं जिस ज्ञान को न तो गीता ज्ञान दाता जानता और वो ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बोलकर अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखा है, जिसको ये अशिक्षित बतावे थे, तो पुण्यात्माओं ये भी एक विशेष रजा दाता की, क्योंकि वो तो परमात्मा है और परमात्मा का कोई भी जो क्रिया है कोई भी कार्य है उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यदि उस समय वो दाता ब्राह्मण वर्ग में आ जाते और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते और ज्ञान यही बता देते, हम ये नहीं मान सके थे ये भगवान थे, हमने नहीं सोचा इनका समझ में आ गई होगी और ब्राह्मणा का ही ना होगी, ये भगवान नहीं है। अब क्लियर हो गया जो अशिक्षित अक्षर ज्ञान जानता नहीं और वो ज्ञान बता रहा जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है और हमारे धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य ब्राह्मण ऋषि महर्षि संत और महंत इनको कख नहीं पता उन पुराणों और वेदों और गीता का, तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 समझने में आसानी होगी, पहले चित्र देखिए। ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणाणी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 15 का, ये पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय है और प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। वेद माने जानना भी होता है और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़ और अध माने नीचे को शाखाएं, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा गया है, छंदासी यानी इसके विभाग, छंद इसके पत्ते प्रणानी इसके पत्ते ये जो हैं ये पत्ते आदि इसके विभाग हैं और ये तम वेद इन सब को जो जानता है सवेदवित
वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका पढ़िएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यहां लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा रूपी ऊपर को जड़ वाले, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधैव शाखा होना चाहिए था नीचे को शाखा वाला, यु ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले गलत करके है, क्योंकि देखो श्लोक नंबर 2 में 2 बार अधै शब्द है, अधै अधै, और इसका अनुवाद ही नहीं अंग्रेजों ने कर रखा है। देख अधै माने नीचे, अधै माने नीचे, अरे यहां भूल गए, यहां कर गए कल्याण वाला, यहां लिखना था नीचे शाखम कति सीधा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन छंद माने वेद लिखे हैं, ये देखा कल इनकी छंदासी यानी विभाग हैं जिसके ये पत्ते आदि, और इन सब को इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, संस्कृत भी पढ़ लो, ये कोई लंबी चौड़ी बात ना जीवते हमने जानना ना दिया था इसकी ओर, स माने वह वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है वो, जो इसके सारे विभाग जानता है। तो वो कौन है, किसने बताया ये ज्ञान, कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, और रामानंद जी को जब उन चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था, महर्षि रामानंद जी, और पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था, बाल ब्रह्मचारी और 104 वर्ष का हो गया था डलेड होते ने, जब परमात्मा में लेते और सतलोक दिखा कर वापस छोड़ा था, अपनी सतीथि से परिचित करा कर जब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही साहेब माने परमात्मा हो, और तुम ही वास्तव में जो आपके अंदर गुण है तुम ही वो संत हो, और तुम ही सतगुरु हो, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले। तो अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, परमात्मा ने बताया था अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वृक्ष बताते हैं, कहा जाता है, ये समझ लो एक वृक्ष है, और ये तना ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, इतना पोर्शन समझो इस संसार रूपी वृक्ष का, और इसे एक मोटी डार निकली है वो सर्पुरुष है, ये अक्षर पुरुष, ये सर्पुरुष, ये सर्पुरुष, ये इतना डर, इसके फिर 3 शाखा होगी, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डर, सर्पुरुष को निरंजन भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल, सर्ब्रह्म भी कहते हैं इसको, सर्पुरुष भी इसी का काल ब्रह्म भी, ये तो डार है, और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार, ये अमृतवाणी परमात्मा की। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सर्पुरुष कहो वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, यानी भक्ति का अर्थ होता है इष्ट रूप में मान के उन पर आश्रित हो जाना, उनके अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करते, यानी इष्ट रूप में मानकर जो साधना की जाती है उसके हम भक्त कहलाते हैं। तो क्या बताते हैं, तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, और कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। अब फिर देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2, 15 का और श्लोक नंबर 2 में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय पर वाला शाखा, संस्कृत भी पढ़ लेंगे, विषय पर वाला शाखा यानी ये विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य तरकादि योनि रूपी शाखा, नहीं
विषय विकारों वाली शाखा है तीनों गुण, रज गुण, ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व माने ऊपर, अध माने नीचे फैली हुई है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मैं भगत पूरन दास जम्मू कश्मीर से हूँ, तहसील सुंदरबनी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं अपने आप को बड़ा एक गायक मानता था। मैं हारमोनियम ये तबला वगैरह सब बजाता था और माता जी के जगराते करता था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जम्मू और कश्मीर में माता की पूजा का और देवियों की पूजा का बहुत प्रचलन है, तो रात रात भर जगराते करना और दो तीन तीन दिन लगातार जगराते करना, घर से दूर रहना, बस मेरा यही एक शौक बन गया था, एक यही एक मेरी पूजा बन गई थी। सर आप क्या काम करते हैं? जी मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? जी बात इस तरह हुई कि मेरी जो भक्तमती हैं उनके चाचा जी के लड़के जो कि फौज में थे, उनकी पटियाला में ड्यूटी थी, तो वो वहाँ से नामदान दीक्षा लेके आए हुए थे, तो मैं मेरा यूं ही जाना हो गया अपने ससुराल में, तो उन्होंने मुझे कहा कि भगत जी देखिए ये मैंने एक पुस्तक लाई है ज्ञान गंगा, आप पढ़िए। मैंने उसको पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा और मैं दिन भर उसको पढ़ता रहा, पूरी सृष्टि रचना और जो भक्तों के अनुभव थे सारा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जितना भी था मैंने सारा पढ़ा, तो मुझे पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि हमें पता ही नहीं था कि हम परमात्मा किसको मानते हैं, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कोई परमात्मा है, कोई पूर्ण परमात्मा है जिनकी भक्ति करके हम सतलोक को जा सकते हैं। तो फिर क्या रहा सर? तो उसके बाद मैंने उसी वक्त भगत जी से कहा कि भगत जी मुझे नाम लेना है, तो उन्होंने कहा चलो अभी चलो। हम तुरंत ही, हमने कुछ नहीं देखा आगे पीछे, उसी वक्त भगत जी और मैं जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में हम चले, जम्मू से गाड़ी पकड़ के हम दूसरे दिन बरवाला पहुंच के और वहां पर हमने नाम दे लिया। सर क्या आपको पूरा विश्वास है कि जो साधना संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है वो शास्त्रों के अनुसार है, उस भक्ति को करने के बाद आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं? सर जी जो भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज ने दी है हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। मैं एक पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक रखता हूँ, अध्यापक हूँ, बिना देखे बेचारे भी मैं कोई कदम नहीं उठा पाता हूँ। मैंने उन बातों को जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान गंगा में बताई जहाँ हमें सत्संग में बताई, उन सबको मैंने मिला के देखा, मैंने गीता को देखा, जो भी शास्त्र मेरे पास थे मैंने उनमें सबको मिला के देखा, तो मैंने पाया कि जी बिल्कुल सत्य बात है और यही एक विधि है, यही एक भक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जिसके द्वारा हम सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा संत ब्रह्मांड में नहीं है जो इस तरह की भक्ति हमें दे। बाकी सब तो बात करते हैं ब्रह्मा बड़ा है, विष्णु बड़ा है, शंकर बड़ा है, लेकिन कोई भी एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए नहीं कहता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लोगों ने नशा त्याग दिया, क्या आप भी कोई नशा करते थे? सर जी बिल्कुल मैं नशा करता था, उतना तो नहीं लेकिन कभी कभार मैं भी शराब पी लेता था, मांस खाता था, क्योंकि हमारे घर में भी ये प्रचलन था कि देवी देवताओं के बकरे वगैरह दिए जाते थे, मुर्गे काटे जाते थे, तो भगत जी मैं तो अपने आप को मैं तो कुत्ता मानता हूँ कि मैंने घोर पाप किए हैं, मैंने खुद भगत जी मुर्गे काटे हैं, लेकिन सर जी जब मैं इस भक्ति पद्धति से जुड़ा तो मुझे ज्ञान हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना है, हम जाने अनजाने में अपने जो हैं पाप कर्म को बढ़ा रहे हैं, आज हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो कल को हमें वो भुगतना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें इस बात का पता लगा कि गुरु जी जो हैं वो तीनों तापों को काट देते हैं, हमारे पाप कर्मों को बख्श देते हैं, तो उसके बाद मैंने तौबा कर ली और मुझे ज्ञान हो गया, तो आज मैं इन सब बातों से दूर हूँ। सर ऐसी क्या चीज है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही लोग नशा छोड़ देते हैं, ऐसी क्या दवाई देते हैं वो? क्योंकि हमने
जितने भी उनके श्रद्धालुओं से बात की है, 80% ऐसे श्रद्धालु मिले हैं जो नशा करते थे और नाम दीक्षा मिलते ही उन्होंने नशा छोड़ दिया। ऐसी क्या दवाई देते हैं, ऐसी क्या चीज़ है? सर जी, संत रामपाल जी की जो भक्ति है ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है कि आपके जो ज्ञान चक्षु हैं जो बंद पड़े थे, जो काल की वजह से जो आपके ऊपर पाप कर्मों का बोझ आपकी आत्मा के ऊपर था वो हट जाता है, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और आपको सही और गलत में जो पहचान है वो होना शुरू हो जाती है। और परमात्मा के वचनों में भी इतनी शक्ति है कि हम नाम लेते हैं, आशीर्वाद लेते ही हमारा शरीर, हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है और हम बुराइयों से कोसों दूर हो जाते हैं। सर, आप एक अध्यापक है, आपने बहुत सोच समझ कर संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जैसा कि पिछले कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो जेल में है, सर आपका क्या मानना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, आपके विचार क्या है? देखिए भगत जी, आज जैसा कि हम जानते हैं सर जी, हम जानते हैं कि हर तरफ लूट और खसूट मची हुई है। हर कोई जो है वो धन कमाने की लालच में बैठा हुआ है, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी तरीके से भी आए, किसी को बेवकूफ़ बना के ही आए। तो जो भगत समाज है उन्हें तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, उन्हें तो भक्ति चाहिए। तो ये लोग नकली लोग हैं, ये जो नकली गुरु हैं, ये इन इन सब भक्तों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर इनको बेवकूफ़ बनाते हैं और सही भक्ति मार्ग ना देकर कहीं गलत रास्ते पे लगा देते हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। तो हमारे जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने हमें एक अच्छी भक्ति दी, एक ऐसी भक्ति दी जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जब सभी भक्त जो थे, बाकी जो जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने तुलना की बाकियों के मुकाबले में कि ये ज्ञान क्या है और वो बाकी जो उनके गुरु हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो सभी संगत जो है संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने लगी। तो ये उन लोगों से गवारा नहीं हुआ, तो उन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सरकार को भी मिलाया, तो सबको मिला के उन्होंने षड्यंत्र करके गुरु जी को फंसाया। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि दूसरे धर्मगुरु श्रद्धालु को झांसा देके फंसाते हैं, पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, यदि यही आरोप अगर आप लोगों के ऊपर लगे, संत रामपाल जी महाराज जी पर लगे, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी भगत जी, ऐसा नहीं है। हमारी जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल है। कोई भी जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इंसान है वो अपने शास्त्रों को उठा के देख ले, हमारे गुरु जी की बताई हुई, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई बातों को मिला ले, चाहे वो बाइबल में इसको प्रूव कर ले, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब में इसको प्रूव कर ले, चाहे वो गीता में इसको प्रूव कर ले, तो सच्चाई जो है सबके सामने आ जाएगी। तो हम सच्चाई हमने देखी, तो इस तरह से हम रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ गए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि हमें तीर्थ व्रत नहीं करने चाहिए, श्राद्ध आदि नहीं निकालने चाहिए, क्या ये भी शास्त्र के अनुसार ही है? सर जी, ये बिल्कुल जो साधना है तीर्थ व्रत करना, श्राद्ध निकालना, ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। इन साधनाओं का जो परमात्मा के वचनों, जो गॉड गिवन नॉलेज है, उसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। ये मनमानी साधनाएं हैं, ये जो उस समय के जो ऋषि महर्षि जो अज्ञानी हुए थे उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया था, ये गॉड गिवन ज्ञान नहीं है। तो गॉड गिवन ज्ञान को जब हम देखते हैं, गीता में देखते हैं, वेदों में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हमारे गुरुजी द्वारा जो बताई गई भक्ति है वो बिल्कुल सही है, सटीक है, और सतलोक जाने का हमारा जो है वो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स पर ये कह के ब्लेम लगाते हैं कि वो एक अंध भक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं और उनको पूरा ज्ञान नहीं है, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप महाराज की बात ना सुन के, मेरी बात ना सुन के, आप अपने अपने शास्त्रों को उठाइए, शास्त्रों में आप उन सब बातों को प्रूव कीजिए, अपने बल पर पढ़िए कि शास्त्रों में लिखा क्या है, शास्त्र क्या कहता है, और हम
किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। जब आप इन सब बातों को देख लेंगे, जान लेंगे, अच्छी तरह से परख लेंगे, तो आपको ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सब जो हैं वो इस भक्ति पे लग जाएंगे और अपना कल्याण कराएंगे। सर देखिए, वेद हैं, शास्त्र हैं, ये आदि अनादि काल से पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि लोगों ने शास्त्र ही उठाकर ना देखा हो? और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी क्या बातें उन शास्त्रों में से बता दी जो आज तक लोगों को नहीं पता? सर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आदि अनादि काल से शास्त्र क्या किसी ने पढ़े नहीं हैं या समझे नहीं हैं, तो उसका उत्तर मैं ये देना चाहूँगा कि आदि अनादि काल में जो हमारा भक्त समाज था, लोग जो थे वो अशिक्षित थे, उनको अनपढ़ थे, वो शास्त्रों को पढ़ना नहीं जानते थे। तो उस समय के जो पंडित और पंडा लोग जो थे, वही जो हैं धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसा उन लोगों को बताया, जैसा संस्कृत में बोल दिया, तो अनपढ़ लोगों ने यही समझा कि यही बात सत्य है, यही सब कुछ है। शास्त्र भी था उनके पास, लेकिन उनकी अज्ञानता थी, वो पढ़ नहीं सकते थे। तो आज ये टाइम है कि लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। दूसरी विद्याओं में, दूसरी पढ़ाइयों में लोग लग गए हैं, कोई पदवी के लिए कोशिश कर रहा है, कोई पदवी पा चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप पढ़े लिखे हैं, शास्त्र आपके पास हैं, तो आप उन शास्त्रों को खोल के देखिए, उनको पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो साधना चैनल पे जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है 7:30 से 8:30 के बीच में, आप उसको देखिए, हमारे गुरु जी के बताए हुए ज्ञान को सुनिए, फिर आप उसको, उस ज्ञान को आप शास्त्रों के अनुसार मिलाइए और देखिए कि सच्चाई क्या है। नहीं तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगवा सकते हैं, जैसा कि अभी आप इंटरव्यू सुन रहे हैं मेरा, तो नीचे जो पट्टी चल रही है इस पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, तो आप इन फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो उसको आप पढ़िए, उसको मिलाइए, देखिए कि क्या सत्य क्या है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये प्राइम टाइम है, ये पीक टाइम है। अगर आप इस समय को चूक गए, तो आप फिर 84 के फेर में फंस जाएंगे और सतलोक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इस ज्ञान को पाने के लिए आपको असंख्य जन्म लग जाएं। तो ये मैं भगत समाज से, खास करके अपने अध्यापक समाज से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप अगर इस ज्ञान की सच्चाई को जान जाते हैं, तो आप बाकी वालों का भी उद्धार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे गुरु जी क्या कहते हैं। तो आप आइए, इस ज्ञान को समझिए, इस ज्ञान को सुनिए और भक्ति मार्ग को अपनाइए और सतलोक को अपने जो निज घर है वहां पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। आप सुन